तो हेलो गाइस, बीएससी एग्रीकल्चर 4 इयर्स का कोर्स है। एडमिशन लेने के लिए 12th में साइंस होना जरूरी है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। कोई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में सारे ही फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, एग्रोनॉमी, हेरिटेज, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, एथिक्स, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और एलिमेंट्री मैथ। एक नॉन ग्रेडियल कोर्स है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता। NSS, NCC और फिजिकल एजुकेशन या योगा। तो सेकंड सेमेस्टर की बात की जाए तो इसमें होता है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन स्किल। देन जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो थर्ड सेमेस्टर में होगा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्रॉप्स, देन प्लांट ब्रीडिंग, फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन, एग्री इन्फॉर्मेटिक, मशीनरी एंड पावर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेटिस्टिक्स, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। इसके साथ आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसमें है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें भी क्रॉप्स का है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में था खरीफ क्रॉप्स का, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप एंड लैंडस्केपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, सीड टेक्नोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज, देन है इलेक्टिव कोर्स। तो ये इलेक्टिव कोर्स जो है वो यही दिए जाएंगे, जैसे डिफरेंट कोर्सेस होते हैं इलेक्टिव में लेने के लिए। तो जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था तो मेरे को प्लांट ब्रीडिंग दिया गया था इलेक्टिव कोर्स में। देन इसके साथ ही सेकेंड ईयर समाप्त होगा, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, मैन्योर फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी, देन पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, डिजीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट 1, क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 जो कि खरीफ क्रॉप्स का है, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, देन प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 1 खरीफ क्रॉप्स, एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें भी एक इलेक्टिव कोर्स होगा, वो में जो जो इलेक्टिव कोर्सेज होंगे उसमें से आप चूज करके ले सकते हैं। उसके बाद आता है सिक्स सेमेस्टर, आएगा रेनफेड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, डिजीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट 2, हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2 रबी क्रॉप्स का, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, देन आएगा एक इलेक्टिव कोर्स जैसे कि मैंने पहले बताया। सो गाइस, ये 3 साल खत्म होने के बाद इतना नॉलेज हो गया होता है थ्योरेटिकल कि तुम अब इनफील्ड जाके ना उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्थ ईयर में क्या होता है, रावे रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, तो इसके अंडर एक्टिविटीज़ करनी होती है, विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम, फिर अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी होती है। तो इसका वीडियो मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डालूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।